प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका बेसलाइन असेसमेंट हुआ है अंग्रेजी विषय का। जैसा कि आपको विदित है, इन दिनों में बेसलाइन असेसमेंट चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। यही बेसलाइन असेसमेंट सभी विद्यार्थियों का लेना है कक्षा 8 के अंग्रेजी का। कईयों का आज हो गया है और कईयों का अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें 23 तारीख तक होने की संभावना है। तो जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर 23 तारीख तक हो जाएगा। समझते हैं आज के इस बेसलाइन असेसमेंट में क्या उत्तर होंगे। ये मूल्यांकन विद्यार्थी स्वयं से करेंगे, विद्यार्थी खुद करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न, देखो, अरेंज द वर्ड, शब्दों को इन डिक्शनरी ऑर्डर, शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। शब्द कोश का जो क्रम है उसमें लिखना है। तो शब्द कोश का क्रम क्या होता है, उसमें सबसे पहले ए के मीनिंग होते हैं, फिर बी के, सी के, डी के, इस प्रकार होते हैं। तो अब देखो, इन चारों में तो डी ए, डी 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 डी, तो फिर पहले कौन सा शब्द आएगा। फिर आपको पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर देखना है। तो इसमें आई है, इसमें आर है, इसमें आई है और इसमें आई है। तो आर तो अपने आप पीछे चला गया, आर तो अपने आप पीछे चला गया, या यूं कहे तो आर तो पीछे पीछे चला गया। अब आपको देखना है आई, तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, ठीक है। तो अब आप तीसरे शब्द की तरफ जाइए, यानी इन तीनों में से कोई एक पहले आएगा। तीसरे अक्षर पर गए तो इसमें वी है, इसमें भी वी है और इसमें आर है। तो अपने डिक्शनरी के अनुसार पहले क्या आता है, वी आता है या आर, देख लीजिए, क्यू आर पी क्यू आर, तो पहले आएगा डायरेक्ट। क्या आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। एक नंबर पर आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। अब डिवीजन या डिवाइन में से दो नंबर पर क्या आएगा, क्योंकि दोनों में वी वी तो सेम है। फिर चार नंबर पर अक्षर है आई, इसमें भी आई है और आई है, इससे भी पता नहीं चल रहा है। पांच नंबर पर देखो, इसमें तो एस है और यहाँ पर एन है, तो एस और एन में से पहले कौन सा आता है, एन है। तो आपका डिवाइन है वो दो नंबर पर आ जाएगा। डिवाइन किस नंबर पर आ जाएगा, दो नंबर पर। तीन नंबर पर डिवीजन हो ही गया और चार नंबर लास्ट पर ड्रा है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर है। तो आप यहाँ यहाँ लिखोगे डायरेक्ट, यहाँ लिखोगे डिवाइड, यहाँ लिखोगे डिवीजन, यहाँ लिखोगे ड्रा। ऐसे ही आप इसमें देखिए, इसमें तो सारे अक्षर अलग अलग है, इसमें सी ए एस सी, तो सबसे पहले तो यही हो गया ना, ए वाला यहाँ पर आप लिख दो इस रेगिस्तान में एंड। अब केक में से ये क्वार्टर में सी है, एक नंबर पर ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न, एक तो कॉटन है और एक केक है, इन दोनों में सी है, पहले से तो हमें समझ में नहीं आया। अब अपने आगे देखते हैं, तो इसमें ओ है और इसमें ए है, तो दो नंबर पर ये आएगा, ठीक है। तीन नंबर पर ये कॉटन आएगा और चार नंबर पर ये सीट आएगा। तो ये आपका क्रम रहता है डिक्शनरी ऑर्डर का। आगे देखिए, मैच द ऑपोजिट जेंडर वर्ड्स, ऑपोजिट जेंडर मैच करने हैं। मेल, मेल के साथ क्या होगा, फीमेल। गर्ल के साथ बॉय, सिस्टर के साथ ब्रदर। वुमन के साथ मेन, अंकल के साथ आंट। लॉयन, लॉयनेस। किंग, क्वीन। कॉक, हैन। इस प्रकार से आपने मैच कर दिया ऑपोजिट जेंडर को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीन, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, दोनों शब्दों को जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो एयर बैग, एयर और बैग दोनों को एक साथ जोड़ दो, ए आई आर बी ए जी, एयर बैग। ऐसे ये बास्केट और बाल है, तो दोनों को जोड़ दो, बास्केट बॉल, ये हो जाएगा बास्केट बॉल। चौथा देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए में क्या, दिस सॉन्ग वाज रिटन ए आर रहमान, ये सॉन्ग ए आर रहमान द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा, विथ का नहीं होगा, बाई आएगा, बी वाई बाई।
दूसरा है गॉड इज गुड, तो यह आएगा टू, क्या आएगा टू आएगा टी ओ टू, गॉड इज गुड टू मी, भगवान मेरे लिए अच्छे हैं, भगवान सभी के लिए अच्छे ही होते हैं। यह आपका चौथा प्रश्न है। फिर देखते हैं पांचवा प्रश्न। अच्छा, इस चौथे में दो भाग और है भाई। ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की 10 किलोमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में, तो इसमें इन आएगा। डी अनु वर ए नेकलेस, हर नेक, देखो वैसे तो यहाँ पर ये गलत हो गया, अनु के साथ वर नहीं आएगा, वाज आएगा, अनु वॉज ए नेकलेस, अनु के पास एक नेकलेस था, अराउंड नेक, गर्दन के चारों ओर, तो यहाँ अराउंड आ जाएगा। यहाँ पर ये गलती हो गई है, वर न होकर वॉज होना चाहिए था। पांच नंबर में रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए सेंटेंस, यानी आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अपने डर गया ही वह ऑफ के लॉइन शेर से इज, तो अब इससे पता है कि वह बंदा कोई है, वो शेर से डर गया, तो पहले ही आएगा, इसमें क्या आएगा यही, फिर आएगा इज, अफ्रेड फिर आ जाएगा, और अफ्रेड के साथ हमेशा आती है ऑफ, इज अफ्रेड ऑफ, और अंत में आ गया लोइन, ही इज अफ्रेड ऑफ लोइन, वह शेर से डरा। डी ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, हमें क्या आएगा वी, फिर साइक्रिया मॉडल है शुड, यहाँ पर वी शुड बोलना चाहिए, स्पीक वी शुड स्पीक, हमें बोलना चाहिए। या फिर जैसे ऑलवेज पहले आ जाएगा, यहाँ ऑलवेज यहाँ पहले आ जाएगा, चलो अपने पीछे चलते हैं वापस। वी शुड ऑलवेज, हमें सदैव स्पीक द ट्रूथ, ऐसे वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये सही तरीका है इसमें। छठा प्रश्न देखिए। अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड, इन लेटर को, इन अक्षरों को आगे पीछे करके आपको सही शब्द बनाना है। तो ये है बर्ड, पक्षी, बी आई आर डी, क्या होगा बी आई आर डी, ए का बी, और देख लीजिए इसमें क्या होगा बी का, दूसरा है टी ए डब्ल्यू आर ई, इसका बनेगा आपका वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर डब्ल्यू ए टी ई आर, और तीसरा है मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो, और चौथा शब्द क्या है एस सी एच ओ, और इस ओ को आगे ले आओ, और एल स्कूल हो गया, क्या हो गया स्कूल। राइट द ऑपोजिट, यानी आपको विलोम शब्द लिखने, एबल, एबल माने योग्य होता, तो इसका क्या हो जाएगा अनेबल, अन ए बी एल ई, एबल का क्या हो जाएगा अनेबल। ब्रेव माने होता है बहादुर, बहादुर का हो जाएगा कायर, कायर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कोवार्ड, कोवार्ड। अराइवल माने होता है पहुंचना, आगमन कह सकते, तो प्रस्थान को क्या कहते हैं डिपार्चर, देख सकते हैं आप डिपार्चर का मीनिंग। समुद्र माने होता है चीकना, चिकने का अपना ही खुरुद्रा, खुरुद्रा कहते हैं रफ को, आर ओ यू जी एच, आर ओ यू जी एच। उसके बाद आप आठ नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करके चारों वाक्य बनाना है। कैन यू बाई ए पेन माई एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा कैन यू बाई ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन, तो आपको इसमें फोर का प्रयोग करना है पहले में,
अगला है प्लीज कम टू स्कूल फ्राइडे, प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे, तो इसमें ऑन आएगा, प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे, प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। इसमें ऐसी है आई वेंट टू शॉप, आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पर गया। विद माई फैमिली, इसमें आ जाएगा विद, मेरे परिवार के साथ। सी के दूसरे स्थान में विद आ जाएगा, टू और विद। डी है ही लिव्स इंडिया, इसमें आ जाएगा इन, ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। तो ए में फोर, बी में ऑन, सी में टू और विद, और डी में आ जाएगा इन। प्रश्न नंबर नौ, नौ का पहला भाग, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, स्ट्रांग मजबूत है, तो बुद्धिमान और मजबूत है, तो एंड आ जाएगा ए, बाकी यहाँ कोई भी जच नहीं रहा है। दूसरा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, इट ट्रेंस हेविली, इट रेंस हेविली, यदि भारी बारिश होती है, तो ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, इफ इट रेंस हेविली, यदि, तो ए हो जाएगा, इफ इट रेंस हेविली, यदि भारी बारिश होती है नहीं आएगा, तो इफ का प्रयोग करना है आपको दूसरे में। फिर आप पार्ट नंबर इस दसवें प्रश्न की तरफ बढ़िए। दसवां प्रश्न क्या है, राइट द करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना है। आपके पास दो तीन ये प्रोनाउन है, प्रत्येक में तीन दिन है। माई सन लवज स्वीट्स, मेरा पुत्र है वो मिठाइयों से प्रेम करता है। दिस स्वीट्स आर फॉर, ये मिठाइयाँ आर फॉर हिम, उसके लिए है। माई सन है तो उसके लिए ही आता है, और ही का होगा हिम। शालिनी इज रीडिंग ए बुक, शालिनी एक पुस्तक पढ़ रही है। इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान है, तो वह है कौन, शालिनी, शालिनी के लिए क्या आएगा, सी, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर माथुर इज ए गुड टीचर, माथुर अच्छे अध्यापक है। टीचर्स अस इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यही क्या आएगा यहाँ पर, यही, ही टीचर्स अस इंग्लिश। डी, माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है। इज कलरफुल, ये कलरफुल है, तो इट का प्रयोग आएगा, किसका प्रयोग आएगा, इट का। दिस स्वीट्स आर फॉर हिम, शालिनी इज रीडिंग ए बुक, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर माथुर इज ए गुड टीचर, इट टीचर्स अस इंग्लिश। माई स्कूल इज गुड, इट इज कलरफुल। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो, आपको इस नीचे दिए गए वाक्यों में एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। किसको अंडरलाइन करना है, एडजेक्टिव को, यानी विशेषण को। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। माई कैट हैज शॉर्ट टेल, मेरी बिल्ली के छोटी पूंछ है, तो ये शॉर्ट अंडरलाइन कर दो आप। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एन एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ईयर्स, तो यहाँ पर लॉन्ग है वो एडजेक्टिव है। चीता हिज ए फास्ट रनर, तो इसमें फास्ट एडजेक्टिव है। जो अंडरलाइन किया वो चारों शब्द एडजेक्टिव है। फिर बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, राइट प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स, आपको बहुवचन लिखना है इनका। तो आपको वैसे बताया हुआ होगा आपके अध्यापकों के द्वारा कि वाई से पहले कॉन्सोनेट हो तो वाई को उठाकर आई एस करते, तो इसका बनेगा आपका ए आर एम आई ई एस, आर्मीज। उसके बाद आप देखिए बी वाला भाग, बी में एफ ई को उठाना है, के एन आई वी ई एस, के एन आई वी ई एस, के एन आई वी ई एस आएगा। एफ ई को उठाकर वी ई एस लगाना है बहुवचन में। चाइल्ड में आर ई एन लगाना है, आर ई एन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन। और बॉक्स में ई एस लगाना है, तो सभी के अलग अलग रूल है एक तरीके से। इसमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दो आगे, इसमें एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दो,
इसमें आर ई एन सीधा जोड़ दो और इसमें ई एन सीधा जोड़ दो, तो इस प्रकार से आपका ये बहुवचन तैयार हो जाएगा। आगे देखिए क्या क्या रखा है 13 में, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको एक वन वर्ड लगाना है। द पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन, व्यक्ति वो जो फ्लाइज एयरप्लेन हवाई जहाज उड़ाता है उसको क्या कहते हैं, पायलट, पी आई ओ एल पी आई एल ओ टी पायलट, हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं। वैसे आजकल राजस्थान सरकार ने एक जननी सुरक्षा योजना के तहत एक ममता एक्सप्रेस गाड़ी चला रखी है, उसको चलाने वाले को भी पायलट का नाम दे रखा है, हालांकि ये बिल्कुल बकवास है। पायलट वही होता है जो एयरप्लेन को उड़ाता है। बी, द पर्सन वो रिपेयर्स कार, एक व्यक्ति जो कार की रिपेयरिंग करता है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक, एम से शुरू है ना, एम ई सी एच ए एन आई सी, मैकेनिक। सी, द पर्सन वो पुट्स आउट फायर, एक व्यक्ति जो आग को बुझाता है, द पर्सन वो पुट्स आउट फायर, आग को बुझाने वाला व्यक्ति, फायर फाइटर, क्या होगा ये, फायर और फाइटर, आग से लड़ने वाला फायर फाइटर हो गया। डी, सम वन वुड ट्रीट्स पेशेंट, एक व्यक्ति जो रोगी का इलाज करता है वो कौन होता है, चिकित्सक, अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्टर। प्रश्न नंबर 14, मैच द राइम वर्ड्स, आपको राइम वर्ड मिलाने हैं, मैच करने, चेंज किसके साथ हो रहा है, रेंज के साथ, राइट हाइट के साथ, केव गेव के साथ, कुक लुक के साथ, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। आगे देखिए आप अंतिम प्रश्न, 15 है इसमें, हिंदी और अंग्रेजी में 15 है, बाकी अन्य विषयों में आपको 20-20 प्रश्न मिलेंगे। 15 नंबर में क्या है, रेड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पढ़िए और नीचे दिए उत्तरों को, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71 ऑफ आवर प्लानिट, आप जानते हैं कि पानी ने हमारी पृथ्वी का, हमारे ग्रह का 71% भाग कवर कर रखा है। वी कॉल दिस वाटर ओशियन, हम इस भाग को महासागर कहते हैं या समुद्री पानी कहते हैं। दिस आर फाइव बिग ओशियन, पांच बड़े बड़े समुद्र है, द पैसिफिक प्रशांत महासागर, द अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर, द इंडियन हिंद महासागर, द आर्कटिक महासागर एंड द अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर। तो ये पांच महासागर है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन, जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। इट हैज अबाउट 25,000 आइलैंड्स, इसके अंदर 25,000 टापू है। द इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट, और जो हिंद महासागर है वो सबसे गर्म है। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, जो आर्कटिक महासागर है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड छोटा है। ओशियन कैन बी वेरी डीप एंड डार्क, ये जो महासागर है वो बहुत ही गहरे और अंधेरे होते हैं। सम फिश एवन हैव देयर ओन लाइट टू हेल्प देम फाइंड फूड, कुछ मछलियाँ इवन यहाँ तक कि हैव देयर ओन लाइट टू हेल्प देम फाइंड फूड, यानी भोजन में सहायता करती है। पीपल कैन नॉट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, लोग है वो समुद्रों के पेंदे तक तैर नहीं सकते। सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन टू एक्सप्लोर दोज एरियाज, इसलिए वैज्ञानिक उन क्षेत्रों में सबमरीन यानी पनडुब्बी का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें नीचे चार प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर करने आपको, कि नेम द फाइव ओशियन अराउंड द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो पांच महासागर हैं उनके नाम लिखो। तो ये देखो पांच महासागर है, ये लिख दिए होंगे आपने, पैसिफिक, अंटार्कटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशियन, ये पाँचों हो गए, एक दो तीन चार पाँच। दूसरा, नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशियन, लार्जेस्ट कौन सा है पैसिफिक और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये देखो या पैसिफिक है वो तो लार्जेस्ट है और आर्कटिक है वो स्मॉलेस्ट है, तो आर्कटिक और पैसिफिक आपको नाम लिखने हैं।
अब देखिए तीन नंबर, गिव द ऑपोजिट ऑफ, लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डीप गहरा होता है। और इसमें होता है सेलो, जो छिछला होता है, सेलो क्या होता है, छिछला होता है। अगला, वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन, वैज्ञानिक है वो सबमरीन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखो वहाँ पर तैरने वाले पहुँच नहीं सकते, इसलिए आविष्कार या ये देखो एक्सप्लोर यानी अनुसंधान के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक है वो सबमरीन का प्रयोग करते हैं। तो ये उत्तर हो गया इसका चौथे का। तो इस प्रकार से ये आपका बेसलाइन है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर टिप्पणी करनी है अध्यापक को, उसके बाद यदि आप विद्यार्थियों ने 9% सही किए हैं तो आप ग्रुप एक में आओगे 9 या 9 से अधिक, और यदि आपने 9 से कम किए हैं जैसे 1 से लेकर 8 तक तो आप 2 नंबर ग्रुप में जाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह था आपका अंग्रेजी का बेसलाइन असेसमेंट, जो पूरे राजस्थान में आज यही हुआ है, और जहाँ पर ये नहीं हुआ है तो यही होने वाला है। आप इसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।